साथ जैसे उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा रोल है जावेदा कॉरपोरेशन लिमिटेड का, तो इट इज अ ग्रेट सक्सेस। उन्होंने फरमाया कि करीबन 3 गुना जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वो उनका एक प्रपोजल जरूर अंडरलाइन कर लें, साथी भी, स्टॉक एक्सचेंज भी और चेयरमैन SECP भी, कि जो बुक बिल्डिंग का पहले होता है और उसके बाद पब्लिक ऑफरिंग इज अ वंडरफुल आइडिया, कैन बी टेस्टेड। अदर वे राउंड ये है कि बुक बिल्डिंग होती है तो फिर कॉन्फिडेंस मार्केट में जाता है। आई लीव इट टू यू स्पेशलिस्ट एंड द एक्सपर्ट्स टू डिसाइड के व्हाट फर्स्ट, लेकिन उनका एक अच्छा प्रपोजल है, इसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक खुशाइंद एक डेवलपमेंट है कि सेकंड रीट, पहली रीट भी जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर 2015 में हुई थी और उस वक्त भी आकिफ सईद साहब बहसीयत कमिश्नर मेरी टीम के मेंबर थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। ये हमारी SECP बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो मेरा फोकस सितंबर के आखिर में मैंने जब जिम्मेदारी संभाली 28 सितंबर को, तो जो एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए विच नीड इमीडिएट अटेंशन इज द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टॉक चेंज एंड द SECP। आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर है उसका सेंट्रल बैंक है, विच इन पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कॉर्पोरेट सेक्टर द स्टॉक चेंज का जो रेगुलेटर है वो SECP है। ये बदकिस्मती है किसी भी मुल्क की कि वो 1.5 साल से उसके 2 कमिश्नर ना हो 5 में से, और 1 साल से 3 कमिश्नर 5 में, देवर वर्चुअली क्वासी डिसफंक्शनल। तो मेरे सबसे पहले जो मैंने काम किए वो मैंने थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एप्लीकेशंस 8 महीने पहले आ चुकी थी लेकिन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ था, तो मैंने 2 वीकेंड्स लगा के उस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल किया। पूरी जो इंटरव्यू कमेटी थी उनको प्रोसेस जो है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसमें आपके सामने ये 3 साहिबान बैठे हुए हैं जो कि उसमें प्रोसेस में कामयाब हुए, और मैं समझता हूं कि हमने आकिब सईद साहब की माजी की खिदमात को देखते हुए अपने सेक्टर के लिए, मुझे याद है कि इस मुल्क में 1984 का कंपनी ऑर्डिनेंस होता था, आपको भी याद होगा, और वो आउटडेटेड एक कानून था, उसमें कई अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। इस मेरी टीम के साथ मुझे याद है कि मैं कई वीकेंड्स, कई महीनों के वीकेंड्स मैंने इनके साथ गुजारे, और हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 दिया, और उसके साथ कितने जो एनेबलिंग लॉज थे इंक्लूडिंग जो SECP का अपना लॉ और जो यू नो सब्सिडी लॉज थे उनमें अमेंडमेंट्स की। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी मुल्क को हेल्दी एक डायरेक्शन पे लेके जाना है तो उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 48 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और मेरा ये बिलीफ भी है कि हमने देखा कि आप लोगों ने भी हाथ मिलाया, और मुझे याद है कि इतनी रेजिस्टेंस थी इंडिविजुअल जो 3 स्टॉक चेंजेस थे पाकिस्तान में, इस कराची स्टॉक चेंज, लाहौर स्टॉक चेंज, इस्लामाबाद स्टॉक चेंज, ये टीम मेरे पास आई जफर एजाजी साहब की सरप्राइज में और मुझसे 6 महीने और मांगने आई। कई सालों से ये अटेम्प्ट हो रही थी और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो इसको पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनने नहीं दे रहे थे। इनको याद होगा अपना आकिब साहब को, मेरे पास 6 महीने मांग लिया, मैंने कहा आपके पास 6 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं है, आई मीन बिजनेस, और हमने इसको इंटेग्रेट करना है, हमने इसको कंसोलिडेट करना है और इसको हमने मर्ज करना है। मुझे याद है कि फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्जर हुआ और आपने एक नया आपकी एक मेरे नज़दीक शुरुआत हुई, और आप उस मुकाम पे बड़े लिमिटेड टाइम में, ऑब्वियसली नया कंपनी ऑर्डिनेंस आपको फैसिलिटेट किया, नया जो रोल था SECP का, उनकी कमिटमेंट थी, तो आप अल्लाह के फजल से साउथ एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट पे चले गए, आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए। तो मैं तो समझता हूं कि वो काश के वो गोल्डन डेज वापस आए और आप उसी तरह फले फूले। मैं जो मुख्तलिफ तजावीज दी हैं जनाब अपना आरिफ हबीब साहब ने, जनाब फरख खान साहब ने, मैं उसको भी टच करूंगा, लेकिन मैं आकिब सईद साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आपके प्रपोजल्स हैं विज़ा विज़
इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म्स वो आप मेहरबानी करके आकिब सईद साहब अपनी टीम के साथ इनके साथ बैठे और आप उसको थ्रेड पे डिस्कस करें खुले दिल के साथ, और जो कुछ हम हो सकेगा हम करेंगे हैंड होल्डिंग इंशाल्लाह। वो मैं आपको अशूर करता हूं कि आप के साथ हम इंशाल्लाह मिलके इस पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि जो आपके टैक्स के हवाले से हैं, क्योंकि FPR में रिप्रेजेंटेड नहीं है अनलेस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, मुझे नजर नहीं आ रहे, तो वो जो आपकी तजावीज है वो मैं और आकिब सईद साहब वो इंशाल्लाह FPR को फॉरवर्ड करेंगे और वो भी इंशाल्लाह उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। देखिए ये हम सब का पाकिस्तान है और मैं मशकूर हूँ आरिफ हबीब साहब के इन जज्बात का कि पाकिस्तान कम्युनिटी इंशाल्लाह इस हुकूमत के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की खातिर। मैं आपको कोई ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में 98-99 की हिस्ट्री नहीं मैं आपको याद करवाना चाहता, मैं 2008 की हिस्ट्री नहीं याद करवाना चाहता जो आरिफ हबीब साहब ने अभी कुछ, मैं 2013 की भी नहीं करवाना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड करा रहा हूं कि पाकिस्तान 2013 में जब मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, डिक्लेयर हो चुका था, तमाम मल्टीलैटरल अगर जो है प्रोग्राम लैंडिंग नहीं कर रहे थे और इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी, वो एक प्रोजेक्ट हो गया था पाकिस्तान को ग्लोबली कि ये जो भी पार्टी इस मुल्क में इलेक्शन जीतेगी वो 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करे। ये वही पाकिस्तान है और इसमें मैं आप लोगों को बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूं। हमारा काम तो है ही एक गवर्नमेंट में होके रिफॉर्म्स करने, लॉज को अपना अपडेट करना, अपनी पूरी एफर्ट करना, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस कम्युनिटी लाती है किसी भी मुल्क में, और वो आपने जो काम किया तो हम एक कलील 3 साल के से में उस मुल्क को जिसको कह रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री है ये तो डिफॉल्ट करेगा, वो 3 साल के क्लील अरसे में आपको मैं ग्रेजुअल नहीं लेके जाता, आप कहां पहुंच के 4.6% CPI यानी इन्फ्लेशन आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 2% फूड इन्फ्लेशन, 5.25% पॉलिसी रेट अभी बात की है आरिफ साहब ने कि वो हाई है, आपका ग्रोथ जो है वो क्रॉस 6%, स्टॉक मार्केट बेस्ट इन साउथ एशिया, मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया, रीड ब्लूमबर्ग 12th of December 2017 के पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 टिल द रीसेंट स्लाइड, मैंने 22 नवंबर 2017 को छोड़ा था, और उसके साथ आपका FDI में बेहतरीन जंप और आपकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन, ये अभी फरक साहब ने भी बताया आपको नंबर कि वी हैव रीच $30 बिलियन, हु इज टू बी अकाउंटेड फॉर कि जी ये $70 बिलियन का क्यों पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दिस इज फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं अब इन हालात को भी सोचा करें, अब इसको भी देखें कि क्यों पाकिस्तान यहां पहुंचा है, पाकिस्तान को यहां नहीं पहुंचना चाहिए था। पाकिस्तान वाज प्रेडिक्टेड टू बी द 18th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030, ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है उसकी प्रोजेक्शन थी। व्हाई वी आर टुडे रीच स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं और हम एक एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट दोज एडवेंचर्स, दोज बैड एक्सपेरिमेंट्स कि जहां आज हम खड़े हो गए। तो पाकिस्तान इज, आई ऑलवेज बिलीव पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल फ्यूचर और पाकिस्तान हैज रेजिलियंस इन इट्स इकोनॉमी, लेकिन ये यू नो वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। तो यू नो अभी हम रोज सुनते हैं, मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा, ओ भाई कैसे डिफॉल्ट होगा, देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सरवाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट, द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। हम मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर, और अगर हम मिलके इंशाल्लाह
अभी भी करेंगे। फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं, लेट बी कॉन्शियस। आप उनकी बात बात सुने, आप डिसिमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनी बॉडी इन टू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। मुझे हमारी कितनी है डेट टू GDP 72%, व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 62% डेट टू GDP। अमेरिका की 110% है, जापान की 257% है, यूके की आफ्टर कोविड 101% है। आई कैन गिव यू डेवलप्ड कंट्री का डजन ऑफ कंट्रीज जिनकी 100 से ऊपर है। लेकिन वहां तो मैं किसी को नहीं देखता कि आके हर वक्त ये अलाग रापे के जी हम मुश्किल में हैं, हम डेड ट्रैप में हैं। ये तो ये हमारी बदकिस्मती है, हम अपने वर्स एनिमी खुद हैं। हमें चाहिए कि, और आपका एक बड़ा रोल है, आप अपने बिजनेस के अलावा कुछ टाइम एलोकेट करें पाकिस्तान के लिए। हम माशाल्लाह यूर यू नो एक प्रीमियम क्लब में अल्लाह ताला ने आपको उस जगह पे लेके आए हैं। यू आर सीनियर बिजनेस लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। ये मुल्क बनेगा, ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मेरा ईमान है। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन टेकन फोर्थ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि वी ऑल नीड टू वर्क टूगेदर। ये शमशाद साहबा बैठी हुई है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम शी वॉज गवर्नर स्टेट बैंक, उसके बाद वी हैव ह्यूज इंटरेक्शन विद यू नो इस तरह के कॉलीग्स हैं। उनको चाहिए कि अभी पाकिस्तान की खातर रिफ्लेक्ट करें, सोचे, और ऐसे जो मलिशियस प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करें। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। आपने जो इश्यूज मैंने जैसे कम है वो डील करूंगा मैं और डील करता हूं साथ साथ, लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। ये भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। जब मैंने टेक ओवर किया, तीन इश्यूज थी जी, पेरिस क्लब जाना, मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना। आई मीन अगर हमें 1.5 या 2 बिलियन की रिलीफ कैश फ्लो की मिलेगी अगले साल, तो हमने तो 31 बिलियन का अरेंजमेंट करना है। इफ यू कैन अरेंज 29 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वी अरेंज अनदर 2। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि वी शुड नॉट गो टू पेरिस क्लब, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी बॉन्ड को हमने फोर्स मेजोर 2 साल का हमने मांगना है एक्सटेंशन इन मैच्योरिटी डेट। मैं कहा हम बॉन्ड को वक्त पे करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान की साकत मसला है। मुझे मल्टीपल लोगों ने ड्यूरिंग अक्टूबर विजिट टू वाशिंगटन, उन्होंने कहा कि यू हैव टेकन द बेस्ट सीएन इन द लॉन्ग रेंज में पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा कि आप पेरिस क्लब नहीं गए, आपने बॉन्ड वक्त पे किया। ठीक है, वी हैव टू मैनेज। जैसे मैंने कहा कि वो लग्जरी नहीं है कि हम बिजनेस एज यूजुअल करें। और जैसे आरफ हबीब साहब ने कहा कि जी आप यानी इंपोर्ट्स वगैरह को लेके कॉन्फिडेंस में लेके आप उनको करें कुछ, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते में इस सब्जेक्ट में मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से मैंने काफी इंटरेक्शन किया और उनसे हमारी जो डिस्कशन हुई तो उसमें उन्होंने रीप्रायोरिटाइज किया। ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो हमें कंप्लेंट्स मिल रही थी कि एक तो एनर्जी रिलेटेड जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे है, और वो इम्पोर्ट्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए जरूरी है उनके लिए भी जो है वो इम्पोर्ट्स की प्रायोरिटी बहुत नीचे है। तो हमने इसको रीप्रायोरिटाइज किया। स्टेट बैंक ने कल रात सर्कुलर इशू किया। अच्छा कि आरफ हबीब साहब ने यह रेज किया, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पहली जो प्रायोरिटी इस वक्त है जो कि बैंकों को रात सर्कुलर जा चुका है कि एसेंशियल इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स रिलेटेड टू एसेंशियल सेक्टर्स सच एज फूड, व्हीट, एडिबल ऑयल एंड फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, लाइफ सेविंग ड्रग्स, एसेंशियल मेडिसिन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नूडिक स्टेंट्स वगैरह, तो इसको हमने प्रायोरिटी नंबर 1 स्टेट बैंक ने रा डिक्लेयर कर दिया, रीप्रायोरिटाइज किया। नंबर 2 एनर्जी इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड गैस एंड कोल फॉर पावर प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉन मेरिट ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। नंबर 3 इम्पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इम्पोर्ट्स स्पेशली ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स बाय द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री विल हैव द प्रायोरिटी नंबर 3। चौथी प्रायोरिटी जो है इंपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स, इंपोर्ट्स ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर एग्रीकल्चर विच इंक्लूड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स।
और इसके अलावा जो डेफर्ड पेमेंट एंड सेल्फ फंडेड इंपोर्ट इंपोर्ट्स है उसकी 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 प्रायोरिटी नंबर 5 है. इंपोर्ट्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस प्रेफरली फ्रॉम पेरेंट्स सिस्टर कंसर्न्स फॉर द इंपोर्टर्स बियॉन्ड 365 डेज फ्रॉम शिपमेंट डेट. और द लास्ट बी ऑफ 5B इज इंपोर्ट्स फंडेड बाय फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल विद द इंपोर्टर्स रेज थ्रू एक्विटी और प्रोजेक्ट लोन इंपोर्ट लोन फ्रॉम अब्रॉड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस. And the last import for export-oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export-oriented projects near completion where at least 70% of the projects, plant and machinery has already been imported. देखें ये सारी चीजें जैसे आप सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ. मैंने गवर्नर साहब को इन्वाइट किया वो यहाँ है, हमने पूरी तफसील की, फिर उन्होंने जाके अपने अपने टीम के साथ डिस्कस किया और कल हमने ये आपस में जो फैसला हुआ उसके बाद हमने कल रात स्टेट बैंक ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया. तो मैं समझता हूं जी कि ये अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हो आपके आइडियाज हो प्लीज डू शेयर विद अस, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और कई दफा नॉर्मली यू नो आई ट्राई टू बी रिमेन अपडेट, लेकिन अगर अगर ना भी हो तो अगर आप मुझे भेजेंगे और मैं उसको देखूंगा तो आई कैन अश्योर यू कि वी विल टेक नोटिस ऑफ इट. आरफ अबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी वो जो स्टॉक चेंज की वैल्यूएशन की बात की है 3.8 टाइम्स ऑफ 40,000 इंडेक्स है. ये इंडेक्स 19,000 थी इलेक्शन वाले दिन. मे रिमाइंड यू मे 2013 इलेक्शन इंडेक्स वो 19,000 प्लस. आज वो दीड पीक टू ऑलमोस्ट 50,000 एट वन टाइम. थिंग्स वर गोइंग वेरी पॉजिटिव वेरी स्मूथ एंड पाकिस्तान वॉज फ्लाइंग. एवरीबॉडी जेट्रो वॉज सेइंग सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी और कुछ कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया लुक एट पाकिस्तान. हमने तो वो खो दिया एक अपॉर्चुनिटी. वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री. मेरे नजदीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं. व्हाई डिड वी रीच वेयर वी वर टू द करंट सिचुएशन जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते. बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पॉलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27. और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6-7 महीने में 20-14 में. वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि ये दुनिया के सारी मईशत बनने जा रहा है. कैनेडियन मईशत पीछे होगी इटालियन मईशत पीछे होगी. मैं समझता हूं कि इट्स सैड. मेरा you know my heart bleeds when I think where we were 5 saal pehle where are today we are today and the same petty politics is going on. Debt ho raha hai default ho raha hai ye ho raha hai debt trap mein kuch nahi hai. Pakistan is inshallah is has been created by God almighty to survive and we are going to inshallah take off. Ye Pakistan ki hamari apni kamzoriyan khamiyan aur galat policies hain ki Pakistan time and again niche chala jata hai. Inshallah Pakistan take karega आपकी आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करें. यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी एंड आई एम श्योर आपकी जो इस पे कंट्रीब्यूशंस होंगी दे विल बी इंशाल्लाह यू नो गिव अस डिविडेंड्स. हमने 2013 में यही सफर शुरू किया और अल्लाह के फल से हम करते 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 कटे हम कहां पहुंच गए. आपकी स्टॉक चेंज दुनिया में नाम हो गया आप पीक पे पहुंच गए. क्लाइमेक्स वही थी आपकी. आप 100 बिलियन डॉलर की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई. तो ये दैट मींस कि पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल. इट इज अवर योर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है. आरफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीजें जरा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ जरा तफसील में जाएं. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग यू नो द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइजेस सिंस आई केम. ऑब्वियसली यू नो इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम सो यू नो आई गिव माय मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इश्यूज हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ. अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की प्राइवेटाइजेशन एक्सटर्नल अकाउंट. यस एक्सटर्नल अकाउंट इज एन इशू. और जैसे यह एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है इस वक्त और हमारी वो जो रिजर्व पोजीशंस है. बट एज आई सेड वी आर मैनेजिंग वी आर एक्सपेक्टिंग वी हैव आइडेंटिफाइड टू मोबिलाइज मोर एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड इनफ्लोज इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में. यू विल सी कि वी विल इंशाल्लाह बाय द क्लोज ऑफ फिस्कल ईयर वी विल बी इन मच बेटर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट अल्लाह ने चाहा था. और फॉरेक्स रिजर्व के हवाले से भी
इंटर बैंक एंड ओपन बैंक का जो डिफरेंस है, आरफ अरीफ साहब आपको याद होगा, द मोमेंट आई आई बोर्डेड द फ्लाइट द स्टॉक द यू नो फाइनेंशियल मार्केट्स स्टार्टेड बिहेविंग वेरी पॉजिटिव, और मैंने कुछ भी नहीं किया था। अभी माजी में तो कुछ करना पड़ा था 98-99 में या 20-13-14 में, इस वक्त कुछ नहीं किया। आई थिंक इट वॉज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इट रीच ऑलमोस्ट बाय 12-13 अक्टूबर इट रीच अबाउट 217 इन द इंटर बैंक, एंड 1.5 रुपए का फर्क था सिर्फ ओपन और उसका। तीन चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर वन, द स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर दो, हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ वीट, एंड हम अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं वो हमारी, और उसको सब्सिडाइज पार्टली भी करना पड़ता है अगर लोकल से प्राइस से ज्यादा करते हैं, वो भी हो रही है, स्मगल हो रही है। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हैविली सब्सिडाइज, हमारी लोकल प्राइस यूरिया की 2300 है, हम इंपोर्ट करते हैं वो लाखों टन मेट्रिक टन हमने किया है जब से ये हुकूमत आई है, और उसमें हम हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, और वो 6,000 से 7,000 पर मेट्रिक टन, यू कांट सेल के ये इंपोर्टेड है, ये 7,000 में बिकेगी, और ये लोकल है, लोकल भी इसलिए सस्ती है कि गवर्नमेंट अपनी गैस दे रही है एट ए वेरी चीप प्राइस, दी वेल हेड गैस, अदरवाइज तो वो भी उनकी भी कीमत ऊपर होगी, आज आप उनको RLNG दे दें उनकी कीमत आसमान पे चली जाएगी। तो वो सारा कुछ कर रहे हैं, आप खुद अरब साहब आपका अपना फर्टिलाइजर का एक्सपीरियंस है, तो वो फर्टिलाइजर भी पाकिस्तान से वो भी स्मगल हो रही है। तो मैंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैंने अपना ये एडवाइस किया हुआ है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जी ये स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ दीज थ्री आइटम्स हैज टू बी यू नो मिनिमाइज्ड एंड रादर स्टॉप्ड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, अल्लाह करे। नाउ दिस हैज लेट द डिफरेंस इन द ओपन एंड ग्रे मार्केट, आई विल नॉट कॉल एक्सचेंज कंपनीज, दिस इज लाइक इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान, वहां ये जो है वो हर कीमत पे उन डॉलर लेके जा रहे हैं। ये हमें अपनी मुल्क को बचाना है और हमें अपने मुल्क का ये दिफा करने वाली बात है, ये भी उतना ही दिफा है जैसे आप टेरिटोरियल खुदा ना खास्ता जो फिजिकल कॉम्बैट होता है, ये भी उसी किस्म का है, ये इकोनॉमिक कॉम्बैट है, और हमें इसको इसके ऊपर ओवरकम करना है, और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर डूइंग देयर जॉब वंडरफुली, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ये बिल्कुल हाई है, और जाहिर है कि हमारा स्टेट बैंक यू नो ऑटोनोमस है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑटोनोमस है, उनका फैसला है, लेकिन आई कैन साइट विद यू तुर्की, दे आर हैविंग रनिंग 60-70% इन्फ्लेशन, उनका तो पॉलिसी रेट 9% है। यू सी इज अ मैटर ऑफ टेकिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यू नो दिस इन्फ्लेशन इज इम्पोर्टेड एलिमेंट, बिकॉज वी आर नेट इम्पोर्टर ऑफ यू नो ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप ये 25-28 बिलियन डॉलर पे सालाना चली गई हैं, ये सारी चीजें आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा अमल दखल है आपके इस, और दूसरा आपके रुपए का बेकदरी होने का बहुत बड़ा दखल। इमेजिन इफ इट वाज 150 टुडे, यू वुड हैव बीन 25% चीपर इन एवरी इंपोर्टेड थिंग, इफ इट वाज 100-120 यू वुड हैव बीन ऑलमोस्ट यू नो 30% चीपर। तो बात यह है जी कि ये जो गेमें खेली गई हैं, जो तजर्बे किए गए हैं, उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, ना ये हुकूमत है, लेकिन वी हैव टू करेक्ट दीज थिंग्स, और इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल बी करेक्टेड, दे आर करेक्टेबल, प्रोवाइडेड हम सारे रिजॉल्व कर लें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने ये जो ड्रामे हुए हैं इसको हम एक तरफ रखेंगे, हमें कोई किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह मिलके हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे और ठीक कर सकते हैं। बाकी रहा कि आपकी आपको पता है कि फ्लड्स की भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि पिछली अनफॉर्चुनेटली जो कमिटमेंट्स हैं वो हमें पूरी कर नहीं पा रही। आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम, मैंने तीसरी अनाउंसमेंट 72 घंटे में यही की थी कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। वी आर दी ओनली वन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने एक दफा प्रोग्राम पूरा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वह PMLN 2013-16, नेवर बिफोर, इवन डिक्टेटर प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके पाकिस्तान में कभी IMF का, वो भी 8वें 9वीं ट्रेंच में जाके चले जाते थे। शमशाद अक्सर साहब बैठी हैं, ये आपको हिस्ट्री अभी बता देंगी, आप इनसे पूछें कि वो उस वक्त गवर्नर थे, किस कौन सी यानी ट्रांच पे हम वॉकड अवे कर गए थे, इवन डिक्टेटोरियल पीरियड ऑफ मुशर्रफ साहब। तो बात ये है कि मेरी ये एंडेवर है, मेरी कोशिश है, रिगार्डलेस के कितनी मुश्किल कंडीशंस माजी की हुकूमत ने एग्री की है, देयर सॉवरन कमिटमेंट वी शुड कंप्लीट एंड वी शुड डिलीवर, हम डिलीवर कर रहे हैं, और डिलीवर करके मेरी कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को, अवाम को होस्टेज मत बनाया जाए।
अगर हम पॉलिटिकल थोड़ी मैनेजमेंट करते हैं कि आवाम पे बोझ ना पड़े, माय एंडेवर हैज बीन सिंस आई टुक ओवर 28th of September कि अगर हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम उन पे मजीद बोझ ना डालें। हर 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 हफ्ते हर 15 दिन के बाद हम पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स, ये डीजल पेट्रोल हर चीज की कीमत बढ़ाते थे, तो क्या ये बुरी बात है? हमने और वी हैव कंप्लीटेड कमिटमेंट एज वेल कि हमने जितनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कमिटमेंट माजी की हुकूमत ने की थी, वी हैव डिलीवर्ड इट। उसके बावजूद हमने 3 दफा प्राइसेस में रिडक्शन किया है। बाकी जितनी अनाउंसमेंट हुई है अब तक 3 महीने में, उसमें हमने नो चेंज। तो आई थिंक अगर ये एक मैनेजमेंट हो सकती है, हमने जरूर आवाम को हर दफा जो उठे तो उनको एक बुरी खबर सुनानी है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम सबका फर्ज है। वो बहुत हमारी एक बहुत बड़ी तादाद 70-80% लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनका भी ख्याल करना है। तो उसके यदि हुकूमत जो ये चीजें कर रही थी और IMF को वापस लाने के लिए उसने जो कुछ सब कुछ किया पहले 6 महीने में, उसके साथ ही हमें उसके दरमियान हमें फ्लड्स की कैटास्ट्रोफी आ गई। वो आपके सामने है कि करीबन $30 बिलियन से ज्यादा हमारे लॉसेस हो चुके हैं और इसको रीबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए $16 बिलियन यानी रफली अबाउट 3500 अरब रुपए की पाकिस्तान को जरूरत होगी अगले अगले 6-7 सालों में। तो उसके लिए भी वी आर डूइंग आवर बेस्ट इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि एज अ डिग्निफाइड नेशन, एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे हमें पूरी कोशिश करनी कि हम इससे बाहर निकलें और इंशाल्लाह हम निकलाएंगे। बाकी रहा कि हमने, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए हैं ताकि हम इस सिचुएशन को मिनिमाइज करें, हम कोई इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड डेफिसिट को नैरो किया है ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन के साथ। वो हमारे करंट अकाउंट अपना बैलेंस को भी उसने इम्प्रूव किया यह है पहले 5 महीने में। तो थिंग्स आर मूविंग। ऑब्वियसली कोई मैजिक वैंड नहीं है कि एकदम से आप कोई चीज करेंगे तो हो जाएगी, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि वो लोग जो डिफॉल्ट का दिन रात रोना रो रहे हैं वो किसको किसके लिए ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के पूरी जो है वो हमारी जो अपनी वर्किंग है वो इन प्लेस है। हमारे जो मल्टीलेटरल और दूसरी लाइबिलिटीज कमर्शियल ड्यू हैं इस फिस्कल ईयर में, उसके ऑलमोस्ट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके लिए भी हमारी जो अपना वर्किंग है उसको रिड्यूस करना और जो जो रिवाइज बैलेंस उसको फाइनेंस करना, दे आर ऑल अंडर कंट्रोल। तो मैं समझता हूँ कि एक दफा फिर मैं रीट के हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसमें काफ़ी स्कोप है। इसको आप स्टॉक चेंज, जैसे आरफ हबीब साहब ने कहा कि इसको सीरियसली कंसिडर करें, और इन्होंने आपको वैल्यूज यानी दिखा दी। अब आप देखें कि ये हमारा हाल है कि हम रीट में इंडिया से पहले हम आए हैं और हमारी फर्स्ट रीट 2015 में हुई है। आज हम $134 मिलियन पे खड़े हैं और वो $8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। Now this is where I think your effort, your energies and your serious engagement is required with the business community. हम सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी मैं समझता हूँ कि ये गोल अचीव कर सकते हैं। SECB अपने चेयरमैन और उनके जो साथी हैं इंशाल्लाह they will provide you full support इंशाल्लाह और they will engage with you इंशाल्लाह एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। जहां तक कैपिटल मार्केट्स का ताल्लुक है मैं बिल्कुल समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा एक स्कोप है और इंशाल्लाह ये वापस उसी तरफ ग्रेजुअली जाएगी। टाइम ऑब्वियसली लगता है कि जब आप इतने क्वागमायर में फंस जाएं तो एकदम से तो आप फ्लोट नहीं होते। तो इंशाल्लाह टुगेदर वी विल टेक पाकिस्तान आउट ऑफ थिंग। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये जो फ्रैंक डिस्कशन है उसमें अगर आपको कोई और आइडियाज़ हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भिजवाएं। फरख खान साहब ने भी जो सजेशन दिए हैं मैंने वो भी नोट किए हैं। वो कह रहे हैं कि जी अपना हमने स्कूक जो इशू किया था, होल्डिंग्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो किया था 200 बिलियन का, तो मेरी तो देखिए अगर हम 2017 में राइट डायरेक्शन पर रहते, जिस वक्त आपको 18th इकोनॉमी, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपने मल्टीलेटरल के पास नहीं जाना। आई डोंट नो हाउ शमशाद विल रिएक्ट टू दिस थिंग। आपने मल्टीलेटरल, दिस शुड बी अल्टीमेट गोल। अमेरिका मल्टीलेटरल से जाता है कि वो बारो नहीं करता, क्या उसका एक्सटर्नल स्टॉक जो है वो रिड्यूस होता है? नो,
इंग्लैंड का कम होता है? नो। जापान का कम होता है? नो। तो हम हमारे हम कोई सुपर चीज नहीं है कि हमारे पास तो वो रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारी तो करेंसी भी इज नॉट अक्सेप्ट। वो तो प्रिंट अपना कर लेंगे, इंग्लैंड पाउंड कर लेगा, वो ग्लोबल करेंसी है, यूएस डॉलर कर लेगा, इसलिए उनको वरी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए फॉर अवर डोमेस्टिक डेट रिक्वायरमेंट वी यूज एंड वी गो टू द स्टॉक मार्केट, एंड हमारा जो ग्लोबल है वी शुड अगेन एक्सेस द बॉन्ड मार्केट, द स्कूक मार्केट इन द वर्ल्ड, दैट शुड बी गोल, एंड वी शुड नॉट बी मोहताज ऑफ द मल्टीलैटरल डोनर्स एट द एंड। हमें जो जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधे करने होंगे, हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी होगी, हमें अपने दुनिया को दिखाना होगा वी मीन बिजनेस, और दुनिया को दिखाना होगा हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। इंशाल्लाह आपके सामने है कि वही पाकिस्तान जिसको कह रहे थे कि जी 2013 में ये डिफॉल्ट करेगा, वही पाकिस्तान था जिसने बॉन्ड 2014 में इशू किया तो 14 टाइम्स ओवरसब्सक्राइब्ड। आज हम आरफ हबीब साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, यही पाकिस्तान था जिसके मेरा ख्याल है उस मेरी विजिट में अप्रैल 2014 में शायद शमशाद भी उधर थी अपना वाशिंगटन मीटिंग ऑफ द फंड एंड द बैंक, लेकिन हर जो मिलता था वो मुबारकबाद देता था। पाकिस्तान पेपर वाज 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, हमने 500 मिलियन का दिया था उसको किया था, $7 बिलियन वर ऑफर अगेंस्ट 500 मिलियन ऑफर। तो ये बात है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली उधर जाना है, और इंशाल्लाह टुगेदर आपकी स्टॉक मार्केट पहले इंप्रूव करेगी, इट विल मेक अ न्यू मार्क, इट विल गो बैक टू वेयर इट वाज, और इंशाल्लाह उसके साथ आई थिंक वी शुड यू नो एक्सेस दी यू नो दी इंटरनेशनल मार्केट। अभी ऑब्वियसली जब तक हमारे ये बुनियादी मसाइल जो हैं ये नहीं होते उस वक्त तक शायद ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। हम यानी सीपैक के रूट पे भी कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया ऑलमोस्ट 600 बिलियन का, जिसमें यू नो एग्रीकल्चर क्रेडिट का बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है फ्रॉम 1400 बिलियन टू 1819 बिलियन। तो ये सारी चीजें वो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को हम जो कि यू नो लो सिंगल डिजिट पे था वो वापस हमें फिर 8% पे मिल गया वापस, उसको नीचे लाना है, हमने प्राइमरी सरप्लस करना है, दीज थिंग्स आर डूएबल। मैं समझता हूं कि वी हैव टू रिजॉल्व कि हमने इकट्ठे काम करना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने स्टॉक मार्केट की बेहतरी और इसकी इसको इंशाल्लाह नई हिस्ट्री इन्होंने बनाने अपनी अपनी क्लाइमेक्स और अपनी अचीवमेंट्स का। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मैं मेरी चूंकि काबीना की मीटिंग है, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके, फ्रैंक दिल की बातें कर रहा हूं मैं, और मैं आप सबका मशकूर हूँ जो डाइस पे हैं, जो लीडर्स बिजनेस लीडर्स बैंकर्स स्टॉक एक्सचेंज के अपना मेम्बर्स और साथी बैठे हैं, और उधर मेरे साथी अपना सीप के एससीसीपी के वो अपना ऑफिस में वो भी ज्वाइन किया हुआ है आकिब साहब, उनके दोनों साथी कमिश्नर साहबान। मैं आप सबका दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यू हैव लिसन्ड मी वेरी पेशेंटली, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।